Welcome to Medicine with Chips. Today the topic of our discussion is attachments and clinicals of the fibula bone. प्रीवियस वीडियो में हमने बोनी फीचर्स एंड साइड टर्मिनेशन देखी थी, तो आपको पता है इसमें जो साइड टर्मिनेशन है वो आपने लोअर एंड की रेस्ट भी करनी है, इसमें लैटरल मेडुलस और फोसा का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है, फोसा को पोस्टीरियर रखेंगे। अब इसके अटैचमेंट्स देखेंगे तो अपर एंड या जो हेड है उसको एक ही मसल अटैच होता है, बाइसेप्स फेमोरस मसल, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसकी शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट पे आपने देखना है इसके बॉर्डर्स थे एंड सर्फेस थी। बॉर्डर पे आपका आ गया इंटीरियर बॉर्डर सबसे पहले, जो कि आगे जाकर दो में डिवाइड हो जाता है लोअर एंड पे। तो जो इंटीरियर बॉर्डर है ना उस पर एज सच कोई मसल तो अटैच नहीं होता, उसमें आपने रेटिनोक्यूलम में अटैच होता है, एक सेप्टम में अटैच होता है, तो उसका एक निमोनिक है सास, ठीक है, एसएस। तो क्या बनेगा, सास भी कर सकते हैं और एस भी कर सकते हैं, वैसे ये एस भी कर सकते हैं। तो ए फॉर एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, एस फॉर सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोक्यूलम एंड सुपीरियर पेरिनियल रेटिनोक्यूलम, ठीक है। आगे आ जाता है मॉर्फोसिस का पोस्टीरियर बॉर्डर, तो जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है ये वाला, ये तो क्रेस्ट है ना, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो इस पर अटैच होगा पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास इसका मीडियल बॉर्डर, तो ये इंटीरियर बॉर्डर था, ये मीडियल बॉर्डर है, तो मीडियल बॉर्डर पे जिसका जो मीडियल बॉर्डर है उसको इंट्रोशियल बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है, ये इंट्रोशियस बॉर्डर है, इस पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी सर्फेसिस, तो इसकी सर्फेस भी हमने मसल्स देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं लेटरल सर्फेस, तो जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान सर्फेस है ये वाली, ये लेटरल सर्फेस है। तो इस पर कौन कौन से मसल अटैच होते हैं, इस पर जो अबव है ना, ये यहाँ पर सोलियस मसल अटैच होगा, सोलियस मसल, और यहाँ पे हमारे पास अटैच मसल होगा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, सोलियस, सॉरी जो लेटरल है ना, यहाँ पे प्रोनियस मसल अटैच होंगे, प्रोनियस लॉन्गस एंड प्रोनियस ब्रेविस। अबव आता है हमारे पास प्रोनियस लॉन्गस, इधर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और जो है ना इधर यहाँ पे प्रोनियस ब्रेविस मसल अटैच होता है लोअर एंड पे, प्रोनियस लॉन्गस, प्रोनियस ब्रेविस, दो मसल अटैच होते हैं लैटरल सरफेस पे। अब आ जाते हैं इसकी जो है एंटीरियर जोन सा, वो तो होते नहीं है सरफेस, मीडियल सरफेस पे देखेंगे, तो मीडियल सरफेस कौन सी प्रेजेंट है इसकी, ये वाली इसकी मीडियल सरफेस है ना, मीडियल बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर के माने इसकी मीडियल सरफेस है। तो वहाँ पे तीन मसल अटैच होते हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनियस टर्शियस। तो इधर हमारे पास अटैच होंगे डिजिटोरियम लॉन्गस एंड हॉलिसिस लॉन्गस, और लास्ट पे इधर अटैच होता है प्रोनियस टर्शियस मसल। नेक्स्ट आ जाता है इसका पोस्टीरियर सरफेस, तो मीडियल बॉर्डर और जो है पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके दरमियान ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि पूरी पोस्टीरियर सरफेस है जिसमें मीडियल क्रेस्ट आ जाती है ना, ठीक है। तो इस पे कौन सा मसल अटैच होता है, यहाँ पे सोलियस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस मसल अटैच होगा, जो मैं आपको पीछे कंफ्यूज में हो गया था। तो इधर प्रोनियस मसल है, प्रोनियस लॉन्गस एंड प्रोनियस ब्रेविस, और जो लेटरल सरफेस है, और जो हमारे पास आ जाएगी पोस्टीरियर सरफेस, उसके अबव पे सोलियस मसल प्रेजेंट होता है इधर सोलियस, और यहाँ पे मसल होता है फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, हॉलिसिस लॉन्गस मसल अटैच होगा। सोलियस मसल जो है ना, वो अपने अपने टीबिया में भी देखा था कि टीबिया पे सोलियल लाइन होती है, वहाँ पे सोलियस मसल अटैच होता है, फिबुला भी अटैच होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इधर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास इसके लोअर एंड पे, तो लोअर एंड पे आपने क्या देखा था, लेटरल मेडुलस था, जहाँ पे एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट अटैच होता है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे कुछ अटैच नहीं होता, पोस्टीरियर सरफेस पे कुछ अटैच नहीं होता, बाकी आ जाती है एक सरफेस मीडियल सरफेस। मिडिल सरफेस पे आपने क्या चीजें पढ़ी थी, एक फोसा पड़ा था, ट्रायंगुलर फोसा, और एक फेसेट पड़ा था। अब जो ट्रायंगुलर फेसेट है वहां पे ना एक लिगामेंट रहता है टीबियो फिबुलर लिगामेंट, अब उसके तीन पार्ट्स हैं, एंटीरियर टीबियो फिबुलर लिगामेंट, मिडिल टीबियो फिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टीबियो फिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर टीबियो फिबुलर लिगामेंट, मिडिल को इंट्रोशियस टीबियो फिबुलर लिगामेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इस ट्रायंगुलर फेसेट पर अटैच होगा। जो हमारे पास फोसा प्रेजेंट है ना, फोसा,
उस पर भी लिगामेंट है, वहां पे जो अबव है इधर इधर हमारे पास होता है जो है ना टीबियो फिब्यूलर लिगामेंट, इधर भी टीबियो फिब्यूलर था तो इधर भी हमारे पास टीबियो फिब्यूलर लिगामेंट आएगा, ठीक है, या इंट्रोशियस टीबियो फिब्यूलर लिगामेंट। और जो है हमारे पास बिलो इधर आएगा टेलो फिब्यूलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलो फिब्यूलर लिगामेंट अटैच होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अटैचमेंट्स, ठीक है, जो है इसका बाइसेप्स फेमोरस मसल अटैच होता है अपरेंट पे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं क्लिनिकल्स। अब जो इसके क्लिनिकल्स है ना उसमें तीन इंपॉर्टेंट है, एक पॉड स्ट्रक्चर है, एक बूट और बूट ऑफ स्ट्रक्चर है, और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। पॉड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉड स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो है ना फिब्यूला का जो लोअर एंड है ये वाला यहाँ पे मैलिजस है, ये वल्नरेबल हो जाता है डैमेज के, जब अगर आप बास्केटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं तो उसको किक मार मार के ना, तो ये जो है ना बास्केट उसको वॉलीबॉल को और बास्केटबॉल को समटाइम्स तो ये फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, तो एंकल डिसलोकेट कर जाता है इसमें, तो इसको हम कहते हैं पॉड फ्रैक्चर। बूट ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, आपने आपको पता है जो जो ये है नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं और ये केटू वगैरह सर करने की कोशिश करते हैं, बर्फ वगैरह पर चढ़ते हैं, तो उन्होंने उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के बूट होते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल बूट से डिफरेंट होता है क्योंकि उन्होंने इतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करना होता है, तो उनके जो बूट्स है ना बूट के अंदर जो फुट का पार्ट आ जाता है वो तो सेफ रहता है, लेकिन बूट के बाहर जो उनका होता है ना फिबुला का पार्ट वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है, टीबिया फिबुला दोनों का, ठीक है, अगर हम इस तरह रखेंगे ना तो जो लोअर वाला फुट है उसको तो वो तो बूटों के अंदर आ जाएगा, तो ये वाला जो है ना मेलिलस ये जो ना ये जो है ना वल्नरेबल हो जाते हैं डैमेज के लिए, तो उसको हम कहते हैं बूट टॉप फ्रैक्चर, ठीक है, ये टीबिया फिबुला दोनों में के लिए है। और थर्ड है ट्राई मेलुलर फ्रैक्चर, एज ए नेम इंडिकेट्स ट्राई मेलुलर मतलब तीन मेलुलस होंगे, तो ट्राई मेलुलर फ्रैक्चर में एक तो आ गया मीडियल मेलुलस ऑफ द टिबिया, लैटरल मेलुलस ऑफ द फिब्यूला, एंड पोस्टीरियर मेलुलस कौन सा है, ये इतना ना फेमस नहीं है, तो पोस्टीरियर मेलुलस कौन सा, वो बैक ऑफ टिबिया पे होता है, लेकिन जैसे ये है ना टिबिया, ये इसका हमारे पास आ गया मीडियल मेलुलस, तो इसकी जो पोस्टीरियर है ना ये देखें ये वाला ये है पोस्टीरियर मेलुलस, ठीक है, ये वाला तो मीडियल मेलुलस, पोस्टीरियर मेलुलस तो नॉच है ना फिब्यूलर नॉच, फिब्यूलर ने अटैच होना है, और जो फिब्यूला की है लैटरल मेलुलस, ये तीनों जो मेलुलस है ना ये हैं अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम कहते हैं ट्राई मेलुलर फ्रैक्चर। तो एंकल जो है ना वो फिर इसमें प्रॉपर जो है ना ब्रेकन हो जाएगा और डिसलोकेट कर जाएगा तीनों मेलस के फ्रैक्चर की वजह से। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अटैचमेंट एंड क्लिनिकल्स ऑफ द फिब्यूला बोन। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।